तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज पहली बार माइक के साथ मैं शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, तो बताना साउंड कैसा आ रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ रेलवे हॉस्पिटल, क्योंकि कल मैं सीख किया था और अभी मुझे फिट लेना है, तो चलने वलने का मन नहीं कर रहा था। तबीयत ठीक है, बस ऐसे ही चलने का मन नहीं कर रहा था, तो अंकित को कॉल किए तो वो लोग अभी मुझे बाइक लेके लेने आ रहा है। उसके बाद जाएंगे हॉस्पिटल में और देखते हैं क्या चल रहा है उधर। सीख लेना है, फिट लेना है अभी, और कल से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अभी 2-3 दिन से मैं रेस्ट पे हूँ। तो देखो, अब निकल चुके हैं रूम से और बस अब हॉस्पिटल जाना है। अंकित का फोन आया है कि मेन रोड पे आ जाओ, तो जा रहे हैं मेन रोड पे। दिखाते हैं हॉस्पिटल फिर से, 4 बार तो दिखा ही चुके हैं, फिर से दिखा देते हैं। तो अंकित अबे कहाँ गया है, घुमाओ। हाँ ठोक दो। तो भाई साहब देखो, फाइनली आए हैं रेलवे हॉस्पिटल में, और पता चला कि आज हमारे डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं, तो आज नॉट फिट फॉर ड्यूटी। एक बार सिक कर लोगे तो जब तक डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं कि तुम फिट हो, तब तक ड्यूटी नहीं जा सकते। और देखो अंकित हमारा लगा हुआ है क्वार्टर के चक्कर में, तो वो अपना जाएगा अभी आराम से। वो अपना ये सब है देखो, हॉस्पिटल का पूरा एरिया जो कि मैं 3-4 बार दिखा चुका हूँ। तो अभी देखते हैं, क्वार्टर वाटर देखने जाना है शायद फिर से, और नहीं तो रूम पे चले जाएंगे बाइक से। तो यार नॉट फिट फॉर ड्यूटी फाइनली। डॉक्टर साहब आएंगे तो उसके बाद देखते हैं कब तक हो पाएंगे। कल फिर परसों से, मतलब एक दिन पहले से मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आज एक दिन और नेक्स्ट डे एक और बढ़ गया, तो ये लफड़ा हो गया। मुझे लगा था आज हो जाएगा, तबीयत भी ठीक लग रहा था, तो नेक्स्ट डे आराम से जाएंगे। लेकिन अब एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जितना भी है ना रेलवे का, ये सब पूरा है, तो ये सब रेलवे क्वार्टर ही है पूरा, और इधर भी है, और इधर इधर रेलवे ग्राउंड है। तो चलो अभी देखते हैं, पता नहीं हमको भी कहाँ जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं बे, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? क्वार्टर सनी वाले में। चलो चलो ये हैं क्वार्टर ठीक करने वाले, जो कि हम लोगों को बहुत परेशान किए हैं। वैसे ही करना पड़ेगा, देखो जो भी कर दो ऊपर उठाना पड़ेगा, समझ रहा हूं मैं। ये देखो पानी आ रहा है ना, डायरेक्ट जा रहा है पाइप में से, है ना। उसको आना ऊपर और केमिकल वाले की वजह से करना पड़ेगा। ये फोड़ के ऐसा कर दो, वो ऊपर वाले को बोलना, अगर नहीं मानता है ना तो आप हमारे को फोन करो, ठीक है। देखो इधर ये सब नया नया लग गया, प्लास्टिक प्लास्टिक। बाथरूम वाला चेंज हो गया? हाँ ये भी चेंज हो गया, सब चीज तो हो ही गया। तो देखो फाइनली रूम पे मैं आ चुका हूँ, और अभी मुझे पता है कि दोनों एकदम गुस्साया होगा। विजय को कहीं जाना भी है ग्रेडेशन सिस्टम के लिए, रूम में जाके समझाता हूँ कि ये रेलवे का, पहले जीएलपी लोगों का ग्रेडेशन सिस्टम चलता था, और मेरा अब खासकर एएलपी लोगों का भी ग्रेडेशन सिस्टम चल रहा है, तो उसके बारे में बताऊंगा कभी डिटेल में। अभी बस इतना जान लो कि विजय को जाना है, उसके एलआई कॉल किए हैं तो वो जा रहा है, और मैं एक दिन के और रेस्ट पे, तो मजा करेंगे। अंकित अभी बाइक से हमको छोड़ के गया, और देखते हैं खाना बनाने का प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है। अभी जाना है इसको, साला हमेशा नंगे काहे रहता है बे तुम। तो अभी मैं रूम पे आया हूँ और खाना बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो चलो एक दिन और रेस्ट करना है, मिलते हैं आगे।
इसको चावल बैठा तो अब इधर देखो विवेक, इधर देखना, योगी जी लग रहे। तो देखो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ रेलवे हॉस्पिटल। एक दिन मैं रूम पे मस्ती मजाक जो भी करना था कर चुका हूँ, और यार ज़्यादा दिन भी रूम पे बैठे बैठे मन नहीं लगता, आदत हो गया है ड्यूटी जाने का। तो मैं फिट लेने में लगा हुआ हूँ, सन्नी भाई अपना क्वार्टर फिट करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद ऐसे उनको जो घर जाना है उधर से फिर भाभी को लेके आना है। तो अभी मैं जाऊंगा फिर से हॉस्पिटल में, देखते हैं आज डॉक्टर साहब हैं या नहीं। मतलब कल मुझे फिट मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो मतलब कल नहीं थे इसलिए मुझे नहीं मिला, और आज मिलने वाला है। साले एक दिन मेरा बर्बाद हो गया सिक्का। और सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना लूँगा लीव और सिक के बारे में, क्या क्या कैसा कैसे होता है, और अभी स्टडी पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो करते हैं। लेकिन अभी निकलेंगे यार, अभी पता नहीं, कुछ मन नहीं करा करने का। कल तो अंकित आ गया था, लेकिन अभी बेचारा वो ड्यूटी पे गया हुआ है, तो अभी पैदल जाना पड़ेगा। पैदल ही जाते हैं यार, और पहुंचते हैं हॉस्पिटल में तो मिलते हैं आराम से। तो मेरा भाई फाइनली, तुम्हारा भाई फिट हो गया है, और कल नहीं हुआ था आज हुआ है। अब देखो फिट होने का प्रोसेस क्या है, कि पहले सीख करोगे तो सीख मेमो लोगे अपना, और उसके बाद ले जाकर लॉबी में जमा कर दोगे, तुम्हारा सीख चढ़ जाएगा, फिर ड्यूटी के लिए कॉल नहीं आएगा, और ये दे दोगे फिट मेमो। भाई ये सेम एक ही जैसा पहले हाथ से लिख के मिल रहा था, अब प्रिंट करके मिल रहा है, तो ये दे दोगे, और अगले दिन फिर सुबह से तुम्हारा ड्यूटी लगना चालू हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये लॉबी में जमा करके, मस्त रूम पे जाके आराम से सोऊंगा आज पूरा दिन, कल सुबह मेरा ड्यूटी लगेगा। और अभी सनी भाई हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है इधर, पूरा रेलवे क्वार्टर्स वगैरह है ये सब, तो ये है हमारा शॉर्टकट रास्ता, जो कि ऐसे लॉबी के सामने से ही, हॉस्पिटल के सामने ही निकल जाता है, तो ऐसे घूम के आना पड़ता है। शॉर्टकट तो सबको पसंद है ना, तो अभी देखते हैं, सनी भाई भी आए हुए हैं लॉबी में अपना सीख लेने, नहीं छुट्टी लेने। चलो मिलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनकी छुट्टी का। तो देखो एक चीज समझाता हूँ मैं तुमको, एएलपी का दुख दर्द पीड़ा सनी भाई को लाना है, जाके घर पे भाभी को लाना है। छुट्टी का इतना बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अगर पोजीशन खराब है तो तुमको छुट्टी नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम है। तो सनी भाई देखो अपना ट्रेन में घूम घूस के पगला रहे हैं। ये छुट्टी के लिए बात किया जा रहा है कि हाँ छुट्टी दे दीजिए सर, हमको जाना है, बीबी लाना है। और रिवाज है ना हमारे यहाँ बिहार में कि शादी होता है तो ऐसे पहली बार होली घर में मनाया जाता है, तो उस चीज के लिए तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं। अभी देखते हैं इनको मिलता है नहीं मिलता है यार, रनिंग स्टाफ में एक यही प्रॉब्लम है छुट्टी का। तो देखो अभी मैं आ चुका हूँ फाइनली रूम पे, फिट में मुझे जमा कर चुके हैं, और रूम का हालत देखो यार, ये सब पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अभी साफ सफाई करेंगे, खाना बनाएंगे, और मज़ा रेस्ट करेंगे, मज़ा तो नहीं, ये सब उतार के ऐसे कच्चे पे पड़ जाऊंगा, बहुत गर्मी लग रहा है यार, धूप है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धूप है। तो चलो मिलते हैं, फिट हो चुके हैं, नेक्स्ट वाले ड्यूटी ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा घर, अपना ख्याल रखो।